भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली तथा कथित एनडीए सरकार के मंत्रालय की घोषणा हुई। तथा कथित इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी इस सरकार को मोदी 0.3 सरकार कहा जा रहा है और इंडिया गठबंधन के दलों को जिस बात की आशंका थी वो पूरी तरह से सच साबित हुई। ये पूरा जो इंडिया घटक दलों एनडीए घटक दलों को जो मंत्रालय मिला है वो मंत्रालय अगर आप देखेंगे तो उस मंत्रालय की सूची में एनडीए के घटक दलों को ना तो गृह मिला, ना रक्षा मिला, ना वित्त मिला, ना विदेश मिला, ना वाणिज्य मिला, ना रेल मिला, ना सड़क मिला, ना कृषि मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना दूरसंचार मिला, खाली हाथ में झुंझुना मंत्रालय मिला, झुंझुना मंत्रालय। और यह पहला संकेत है, भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो उनकी प्रवृत्ति है, कार्य करने की शैली है, अपने घटक दलों को धीरे धीरे करके समाप्त करना, खत्म करना, उनको अपमानित करना, उनकी ताकत को समाप्त करना, मंत्रालय के बंटवारे के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। और ये झुंझुना मंत्रालय जो दिया है इन्होंने एनडीए के घटक दलों को, अगला चरण इनकी पार्टियों को खत्म करने का होगा, क्योंकि जो जो बातें हम लोग कहते हैं लगभग सच साबित होती है। और वो कैसे होगा, गलती से अगर बीजेपी का स्पीकर बन गया तो उसके तीन बड़े खतरे हैं। नंबर एक खतरा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। नंबर दो खतरा, एनडीए के घटक दलों को, टीडीपी को, जेडीयू को, जेडीएस को, आरएलडी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को, इन सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, छोटी से लेके बड़ी तक की पार्टियां हैं, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इन सारी पार्टियों को तोड़ तोड़ के बीजेपी के साथ मिलाया जाएगा। और तीसरा, कोई भी मनमाना बिल सरकार लेके आएगी और जो भी सांसद आवाज उठाएगा मार्शल से उसको बाहर फेंकवा दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।